हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा हम किस चीज़ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। एक बहुत प्यारा डेट फ्री स्टॉक है, उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को जो आपका खुद का चैनल है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, तो फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ। बहुत अच्छा ब्रोकिंग फर्म है, सेबी रजिस्टर्ड है, एज वेल एज फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर रहा है, जीरो डिलीवरी चार्जेस है, और भी बहुत सारे इसके मल्टीपल फायदेज है। तो आप वीडियो की तरफ चलते हैं, तो देखिए जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। ओके, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आज के दिन ही लगभग देखिए 11% भागा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 179 का ये स्टॉक अभी प्राइस है, और मैंने बहुत टाइम पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तब लगभग 150 के आसपास ये शेयर चल रहा था। ऊपर वीडियो मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। 52 वीक लो की बात करें तो देखिए 63 रुपीज़ का 19 मार्च को था, और अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो 14th अक्टूबर को ये लगभग 183 रुपीज़ पे आ गया था, और इसी लेवल पर देखिए अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर बात भी करें यहाँ से यहाँ तक, तो 3 गुना पैसा आपका कर चुका है। और बहुत इसमें इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। 41% के यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन ही डिलीवरीज उठाई गई है, और यहाँ पर अगर देखें तो 72.83% शेयर प्रोमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास केवल 27.17 है, और हर साल 3, 2, 1, 4 रुपये ये आपको डिविडेंड मिलता आया है। और बाईबैक 2019 में बाईबैक आया था, और दोबारा शायद 2021 में दोबारा ही एक बार एक अनाउंसमेंट आपको दोबारा सुनने को, एक कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है, बाईबैक का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी शायद दोबारा हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, सिंपल सा शेयर है क्यूकहिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। करती क्या है क्यूकहिल, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्यूकहिल एक आपको साइबर प्रोटेक्शन देती है। जिस तरीके से आजकल अटैक होते आ रहे हैं, ओके, इस साल भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर रेड्डी पे एक बार साइबर अटैक हुआ था, एज वेल एज बहुत सारी कंपनीज पे हुआ था। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जिस वजह से अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी वजह से ये एक बहुत बेहतरीन कंपनी है जो आपको एंटीवायरस प्रोवाइड करती है। एंड देखिए विंडो के लिए, मैक के लिए, विंडो सर्वर, एंड्रॉयड मोबाइल, मल्टी डिवाइस, यूटिलिटीज, स्मार्ट होम्स, क्विकहील, टोटल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीवायरस मिल जाएंगे, जो कि आपको दूसरे एंटीवायरस के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते मिलते हैं, और काफ़ी अच्छी इनकी सर्विसेज भी है, और आपको बताना चाहता हूँ बहुत अच्छा प्रॉफिट देते आ रहा है। और इनका जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें हम आशा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा, और ये क्वार्टर और भी रह सकता है जो पिछले कंपेरिजन में, क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली अगर देखें तो। देखिए आज के दिन में लगभग 18 पॉइंट्स का जंप देखा गया है। अगर 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो पॉजिटिव, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न भी पॉजिटिव, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न भी पॉजिटिव, एयरटेल रेट की हम देखते हैं तो देखिए लगभग आपके पैसे को इसने कितना, अगर हम बात करें तो लगभग डबल कर, लगभग 150%, 160% के प्रॉफिट आपको दिया है। अगर जनरली बात किए तो डबल कर दिया आपका पैसा, ट्रिपल कर दिया है। और अगर हम मैक्सिमम देखते हैं तो देखिए ज़्यादा टाइम कंपनी का हुआ नहीं है, 2016 में कंपनी आई थी, बट यहाँ पर देखिए गिरती हुई नज़र आई है, और इसी एरिया में, इसी के इर्द गिर्द यहाँ पर कंसोलिडेट होती आ रही है एक शेयर कंपनी। बट अब नाउ द टाइम हैज़ बीन चेंज, अब बहुत जल्दी हम अपने आप को डिजिटली कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने आप को डिजिटली कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हमें कुछ डर भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैक्स होते रहते हैं, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं साइबर एंटी पायरेसी की ज़रूरत होगी, एक एंटीवायरस की ज़रूरत होगी, ताकि हम यहाँ पर ये देख सके कि कोई भी हमें इस तरीके का कोई हार्म ना पहुंचा सके। और हम जैसे कि लगता है कि ये बहुत जल्दी अपना जो इसका, अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 52% की जंप हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है, एज वेल एज बाईबैक का भी अनाउंसमेंट सुनने पे आ रहा है कि बहुत जल्दी आ सकता है। तो अच्छा खासा शेयर देखिए जंप कर सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इंडिया फार्मा फॉर्म्स एट हाई रैंसम वेयर अटैक रिस्क इन 2021। तो कह रहे हैं कि 2021 में भी इस तरीके के अटैक इंडियन फार्मा पे हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या की जरूरत है, एंटीवायरस, और एंटीवायरस और साइबर अटैक से बचने के लिए ये कंपनी जो है क्यूकहिल आप बहुत सस्ते प्राइस में कंपैरिजन टू अदर कंपनीज आपको देती है, और एशिया की और इंडिया की नंबर 1 कंपनी में ये शुमार है।
ओके एज वेल एज आप यहाँ पर न्यूज देख सकते हैं बट टाइप ऑफ शेयर होल्डर मेक्स अप क्यूकिल रिवील्स थ्रेट प्रेडिक्शन। देखिए ये दोबारा बता रहा है कि इस तरीके के थ्रेट और आ सकते हैं 2021 में। ओके तो इससे बचने के लिए देखिए ऑब्वियसली बात है कंपनीज चाहेगी कि इस तरीके के ये प्रोडक्ट्स अपने घर अपने यूज़ किया जाए ताकि हमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट द कंपनी कैटर्स टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो दोनों ही मार्केट में ये कंपनी काम भी करती है, डोमेस्टिक भी एज वेल एज फॉरेन मार्केट भी ये कंपनी इंटरनेशनली भी काम करती है। मार्केट कैप कुछ ज़्यादा नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है, 1000 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है बट और 109 तो इसकी बुक वैल्यू है। पी रेशो भी केवल 13 है, आरओसी 13 है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हर चीज़ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और अगर हम बात करें इसके सेल्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स, तो सेल्स कंटिन्यूसली 2017 से अगर हम क्वार्टरली बात करें तो 64 से अभी लगभग 83 हो गई है। 2019 में सितंबर 98 हो गई थी, उसके गिरती आई है बट यहाँ पर देखिए एक स्पाइक लिया है और ये आगे चल के और बढ़ने वाला है क्योंकि जिस तरीके के थ्रेट की आशंका लगाई जा रही है तो ये इसकी सेल्स बढ़ने की हमें पूरी उम्मीद है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो लगभग कितना यहाँ पर लगभग 83 करोड़ रुपीज़ का सेल्स हुई थी, उसमें से देखिए 28 करोड़ रुपीज़ तो केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम ईयरली बेस पे बात करें तो देखिए पिछले 10 साल में सेल्स 89 से लगभग अगर हम पिछले 12 महीने की बात करें तो 285 करोड़ रुपीज़ हो चुकी है और प्रॉफिट भी अगर हम बात करें तो लगभग 78 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स भी कंपनी के पास काफ़ी बेहतरीन है। रिजर्व देखिए 60 करोड़ रुपीज़ के 2010 में थे और अभी लगभग 639 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स है। तो काफ़ी यहाँ पर रिजर्व्स के मामले में कंपनी काफ़ी अच्छी है। एज वेल एज बोरिंग की बात की जाए तो डेट फ्री है जैसे कि ऑलमोस्ट पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी ने लगभग 395 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो लगभग कंपनी का 63 करोड़ रुपीज़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है और टोटल एसेट भी देखिए 81 से 784 करोड़ रुपीज़ के होते हुए नजर आए। और कैश फ्लो भी देखिए कंपनी के पास कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छे है 71 करोड़ रुपीज़ के जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो देखिए प्रमोटर्स ने पिछले 3 साल में बल्कि अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बहुत बढ़ाई है, ना कि इन्होंने घटाई है जैसे दूसरी कंपनीज में होता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो उनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और लगभग ना के बराबर ही यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी यहाँ पर निकल चुके हैं अपना अपना प्रॉफिट निकाल के। अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के पास 27% की हिस्सेदारी है जिसमें से रमेश दमानी जो कि आप 2019 मार्च तक यहाँ पर रमेश दमानी के भी शेयर्स थे बट अभी यहाँ पर रमेश दमानी भी यहाँ पर शायद एग्जिट कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पर 2019 में तक ही यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है हर चीज़ तरीके से और जिस तरीके से हमारे डिजिटली हम होते जा रहे हैं, इंडिया जिस तरीके से अपने आप को डिजिटली कन्वर्ट करता जा रहा है और तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत डेफिनेटली हमें होने वाली है। बड़ी बड़ी कंपनीज तो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट यूज़ करती है तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो जो ये शेयर है तो आपको और तेज भागता हुआ नज़र आएगा जिस तरीके से इसने पिछले 6 7 8 महीने से रिजल्ट्स दिए है और भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने की आशंका है। तो इसलिए आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं और बाय बैंक का भी शायद अनाउंसमेंट दोबारा हो सकता है तो इसकी तरफ नज़र रखिए, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। अगर आपको नीचे मिलता है तो बाय ऑन डिप्स करके इसे खरीद सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।